हेलो गाइस, हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रॉक लेसलर का जो था सस्पेंड होने वाला, वो हमने टॉपिक कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में। आपको अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो के मैं लिंक के वाले वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वाले वीडियो के तो देखना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि उससे ही आपको सारी स्टोरी समझ में आएगी। और इसका ये पार्ट टू हो सकता है, आप जो भी बोल लो इसको। और हाँ, नया WWE चैम्पियन कौन बनने वाला है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ जल्दी इसी वीडियो में। तो नया WWE चैनल, ये नया WWE जो चैम्पियन बनने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और सबसे मेन जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं ये है कि रोमन रेंज का जो ये होने वाला है अपोनेंट, उसके बारे में। रोमन रेंज का अपोनेंट होने वाला है सेथ रॉलिंस, ये गारंटी हो चुकी है। ये गारंटी ले लो मेरी तरफ से कि रोमन रेंज का जो नया अपोनेंट है, रोमन रेंज का जो नया अपोनेंट है वो होने वाला है सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस वो मैच जीत जाएगा। सेथ रॉलिंस चैम्पियन बनने वाला है नया आपका, और WWE चैम्पियन सेथ रॉलिंस बनने वाला है नया। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नया चैम्पियन बनने वाला है सेथ रॉलिंस, क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा रोल नहीं मिल रहा था। इतने टाइम से उसको चैम्पियनशिप भी उसकी छीन गई थी, और इसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप उसको उसके पास थी लास्ट टाइम, तो उसकी भी बहुत जल्दी ले ली थी उसकी चैम्पियनशिप। तो बहुत टाइम से उसको कुछ अच्छा रोल मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि अभी इसको चैम्पियनशिप मिली जाए। और ये मिलेगी ये तय हो चुका है, ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये अपडेट आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको भी पता चले, और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। तो और बैकी लिंच को भी जो चैम्पियनशिप है उसकी भी जाने के बहुत खतरे बन चुके हैं। बैकी लिंच की चैम्पियनशिप भी जा सकती है, साशा बैंक्स को मिल सकती है, ये भी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि साशा बैंक्स चैम्पियनशिप जीतने के इसमें है और उसको भी जीता सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने पॉइंट कवर किया है इसीलिए क्योंकि मुझे अपडेट है, पता है इसके बारे में, आने वाला है ये, ज़रूर देख लेना। तो अभी साशा बैंक भी चैम्पियनशिप ले सकती है, और बैकी लिंच की जाने वाली है चैम्पियनशिप, ये गारंटी है। आने वाले 2 वीक के अंदर ये पूरा गेम बच जाएगा इसका। तो रही बात रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज की भी चैम्पियनशिप जाने वाली है। वो इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, जो अपना ब्रॉक लेसलर है उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा मुझे नहीं लगता। तो देखते हैं कैसा होता है और कैसा नहीं। तब तक के अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा इस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, सेथ रॉलिंस ज़रूर जीतेगा गाइस, जो भी सेथ रॉलिंस के फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और एक और अपडेट आपको देना था गाइस कि जो ड्रू मैकएंटायर है उसको रोल इसलिए नहीं दिया जा रहा है मेन बड़ा, इसलिए क्योंकि जब जो नीचे की जो मैच के रहते हैं टाइम, जो टाइमिंग जो है उसको कवर करने के लिए इसको ड्रू मैकएंटायर को रखा गया है। और जल्दी बिगी के साथ उसका हो सकता है, बिगी के साथ उसको दिखाए और बिगी की भी चैम्पियनशिप चले जाए, आई होप। क्योंकि मुझे बिगी का इतना खास रोल दिख नहीं रहा, और मुझे मैं नहीं चाहता कि बिगी चैम्पियन बना रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, पीस आउट, ठीक है।